वर्तमान टाइम में कोविड चारों तरफ फैला हुआ है। डॉक्टर सारे कोविड का उपचार करते हैं। कोविड के बाद में पोस्ट कोविड, जिसके लिए विशेष रूप से जो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उन फेफड़ों को किस प्रकार की एक्सरसाइज करके आप सही साइज में लाएंगे, उसके लिए मेरा प्रयास है। सबसे पहले लंबा सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। इसके बाद ये आप 5 बार कर सकते हैं। दो नंबर एक्सरसाइज है जिसमें आपको नाक से सांस लेना है और उस सांस को होल्ड रखना है। नए आदमी 10 सेकेंड, शुरू में फिर 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और लगभग 40 सेकेंड एक सामान्य आदमी रखता है। करो। एक्सरसाइज नंबर 3, दो मिनट रुको। सांस अंदर भरेंगे और कंधों को ऊपर चढ़ाना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आपको होल्ड करना था इसमें, और सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। ये एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको सांस भरना है। सांस भरने के साथ सांस होल्ड होगा और शरीर की एक्टिविटी में ये दोनों हाथ आपको यहाँ लगाने हैं और ठोड़ी से तो नीचे दबाना है, हाथों से ऊपर दबाना है। एक्सरसाइज नंबर 5, खड़े होना है। खड़े होने के बाद में ये अपने दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ, ये जो नाभि है इससे ऊपर ऊपर रखने हैं, और जब सांस अंदर भरेंगे तब यहाँ से पेट बाहर निकलेगा। मतलब फेफड़ों में सांस लेना है लेकिन उसके साथ साथ पेट को बाहर निकालना है। पेट बाहर निकलेगा और ये हाथ उस पेट को अंदर दबाएंगे और सांस आपको होल्ड रखना है। होल्ड रखने के लिए आप जितना आपका शरीर कहे उसके अनुसार होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। और ये एक्सरसाइज है, ये जब आप कर रहे हो, जब आपने होल्ड कर लिया, सांस होल्ड है, इसको हाथ से दबा रहे हो, और जब वापस छोड़ना है, वापस छोड़ते समय आप थोड़ा सा झुकेंगे, पेट अंदर दबाएंगे और हाथ दूर उठाएंगे। यह आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6,
ये अंगूठा ये पीछे रहेगा, ये अपने अंगुलियां एक साथ रहेंगी, और ये जो अपने पसलियां हैं इन पसलियों पे हाथ रखना है इस तरह से। जब आप सांस अंदर भरेंगे, अंदर भर के होल्ड रखेंगे, और वापिस छोड़ते समय इन पसलियों को इस हाथ से इस तरह से दबाएंगे। दोनों मुट्ठियाँ यूं आप यूं भी रख सकते हो, हाथ यूं खोल भी सकते हो। अब क्या है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके आपके अंदर धीरे धीरे ताकत आ रही है। ताकत आ रही है तो ताकत किस में होती है, शेर में होती है। अब शेर बनना है, सांस अंदर लेंगे और शेर बन के होल्ड करेंगे, और वापस हाथ जब नजदीक आएंगे तब आपको मुंह से सांस छोड़ना है। स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8। अब मुक्के चलाने हैं, शरीर में ताकत आ गई है। एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 10। इसी को सियावा बोलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11। इस एक्सरसाइज में ऊपर से यहाँ पे सांस भरना है, यहाँ होल्ड करना है, होल्ड करते करते नीचे ले जाना है, जैसे नीचे से ऊपर आए धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। Thank you.
अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज बताई है उस सब में फेफड़ों के लिए सबसे ये आवश्यक है कि हर एक्सरसाइज के अंदर अपन सांस होल्ड रखें। होल्ड अपना जैसे शरीर कहता है, शुरू में आप करोगे तो कम होल्ड होगा, फिर धीरे धीरे जब आपकी स्टेमिना बन जाएगी तो होल्ड होता जाएगा। और हर एक्सरसाइज को 5 से 10 बार करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।